गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जय श्री राम, जय हनुमान, क्या हाल है जवान। सो आज मॉर्निंग मैं उठा, मैंने पहले सारा काम ही कर लिया, बिकॉज सैटरडे संडे जो होते हैं बड़े हैक्टिक होते हैं मेरे काम में। सो पहले मैंने सारा काम कंप्लीट किया, मैंने कहा फिर स्टार्ट करते हैं, चलो। और सेकेंडरी चीज़ मुझे एक बात कहनी थी कि ब्रदर्स कुछ भी हो, अभी मैंने एक पहली वीडियो बना ली, उसी में भी किसी बंदे ने कॉपीराइट क्लेम कर दिया। अगर आपको मेरा कंटेंट कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको चाहिए कि भाई मैं कुछ इंप्रूव करूं, तो भाई कमेंट में आप लिख दीजिए। कमेंट में आप अगर लिखेंगे ना कि भाई ब्रदर ये चीज आप इंप्रूव करो, ये चीज आप ऐसे ऐसे करो, तो आप लोगों के सारे ऐसे ऊपर बढ़ेंगे। और मैं थोड़ी किसी को कह रहा हूँ कि भाई मैंने किसी को गलत बोल दिया या मैंने किसी को कुछ कर दिया, ठीक है, तो कॉपीराइट क्लेम्स मत करो। बिकॉज देखो, उस कॉपीराइट क्लेम से जो आपने किया उससे कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी ये किसी बंदी की एक चुल थी कि बस मैं कॉपीराइट क्लेम डाल दूं, चुल होने से कुछ हुआ थोड़ी है। तो हमेशा सपोर्ट करो, ऑलवेज बी सपोर्टिव, ठीक है। चलो, ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है, अब सीधा ऑफिस मिलते हैं। आई हैव रीच्ड माय ऑफिस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शर्ट कैसे चेंज हो गई, वो एक्चुअली थोड़ा साइड से फटा हुआ था, तो मैं तुरंत भाग के घर गया, फिर मैंने चेंज करा, फिर मैं ऑफिस आया हूँ। सो अर्जेंटली अभी ऑफिस से घर जाना पड़ रहा है, लेट्स सी, देखते हैं क्या है क्या नहीं। घर वालों ने बुलाया है, कुछ काम है, तो अभी चलते हुए बात करेंगे। सो अभी जस्ट घर वालों ने बुलाया है कुछ काम से, सो आई हैव टू गो टू दिल्ली, कुछ काम है, एक वाइफ और बच्चे को भी लेके आना है दिल्ली से, आज उनकी छुट्टी है, तो देखते हैं। अभी तो गाड़ी हमारी कल मेरा चैनल इंट्रोडक्शन था मेरे फर्स्ट व्लॉग में। अब इसमें क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बेसिकली मेरा नाम सौरव है और मैं आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और दिल्ली से बिलोंग करके मैं मेरा वर्क प्लेस जो है वो है गाज़ियाबाद राजनगर एक्सटेंशन। बाय प्रोफेशन मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुका हूँ, और मैं अर्लियर अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी जॉब क्विट करी थी, तो मैं स्कूल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स था, फिजिकल एजुकेशन टीचर। और उसके अलावा फिर अभी करंट में तो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, क्योंकि कोरोना में क्या हुआ कि चलो देखो, हर एक चीज़ को सबको प्रॉब्लम हुई है, कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को प्रॉब्लम हुई नहीं कोरोना में। कोरोना में ऑलमोस्ट सभी लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तो उस प्रॉब्लम्स को देखा देखी करते हुए और चीज़ें करते हुए मैंने यही डिसीजन लिया था कि अपना बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी के अंडर जॉब नहीं करनी, किसी का कोई वो नहीं करना। हाँ, ये है कि कोरोना में मेरी जॉब पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, हाँ थोड़ा बहुत पड़ा, वो पड़ा सैलरी पे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर था,
लेकिन जॉब पे कहीं इफेक्ट नहीं हुआ। तो बस उसी चीज़ को देखते हुए, सिर्फ वही चीज़ को देखते हुए मैं यही, फिर मैंने अपना ही काम शुरू करना सोचा और फिर मैं इधर आया। वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड बोलो, बड़े भाई बोल लो, तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि भाई तू मेरे साथ आके राजनगर एक्सटेंशन में कर काम, बिकॉज जो मेरा वर्क है, जो मेरा वर्क अगर आपको बताऊं तो ऑफिशियली मैं एक रियल एस्टेट ब्रोकर हूं। हाँ, तो अब मैं इसी हिसाब से मैंने अपना काम देखा तो अच्छा चल रहा है, सारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पहले प्रॉब्लम चीज़ें आई, देखो कोई भी काम आप शुरू करते हो उसे चीज़ें करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ तो रहती हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई डिफ़िकल्टीज़ रही नहीं कभी भी, क्योंकि उनका सपोर्ट था। और बाकी तो अब चल ही रहा है, जब सब अच्छा, अप एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते ही रहते हैं, तो हमारी लाइफ में भी अप एंड डाउन्स थे, तो लेकिन वही है कि जब ऊपर वाले का हाथ है सर पे तो सारी चीज़ें इजीली क्लियर भी हो जाएगी और मैं इजीली आगे चीज़ों को कर भी लूँगा। हाँ, बाकी बास्केटबॉल से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूँगा पूरी लाइफ टाइम ही, क्योंकि मैंने अगर आप बाय प्रोफेशन मेरे से जानेंगे तो मैं नेशनल्स भी खेला हूँ बास्केटबॉल के, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। बाकी मेरा मतलब ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक ही मेरा ये मान लो कि स्पोर्ट्स कोटा पे ही था, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ बास्केटबॉल, तो वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा मेरा। बाकी तो चल रही है लाइफ जैसे भी है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नई नई चीज़ें जाती रहती हैं, और नई नई चीज़ों का जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ में ना कभी आप ऊपर नहीं जा पाओगे। आप समझो आज मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लो, और कल मुझे भी अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी पूरे लाइफ आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते ना, और करोगे तो फिर आपकी लाइफ लिमिटेड ही रह जाएगी। हमारी जो चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में फुलफ़िल नहीं कर पाए, हमारे देखो हमारे सबके माता पिता ने हमें इतना दिया है और वो अब भी दे ही रहे हैं कि हमें कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन स्टिल क्या है कि अब समय है कि हमें उन्हें थोड़ा देना है, अब हमें उन्हें सपोर्ट करना है, क्योंकि अब वो भी क्या है कि कब तक करते रहेंगे। तो बस यही है कि माता पिता का हाथ हो, भाई का हाथ हो सर के ऊपर, तो आने वाले समय में हम भी रास करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी तो बातें होती रहेंगी, आप देखो ज़रा सिनेमैटिक्स देखो थोड़ी। तो घर पे कुछ इम्पोर्टेंट काम था भाई, वो करके निकल गए, और हमने अपनी वाइफ और अपने बेटे को भी ले लिया। पापा, हेलो, देखो बस, हेलो करो, से सब से लाइक। हाँ, सो देखो बिशुम कर रहा है वो आप सबको, तो जब ये बिशुम करता है तो आपको बिशुम होना है पीछे की तरफ, ठीक है। हाँ, ट्रैक्टर दिख रहा है,
आगे ट्रैक्टर चल रहा है तो वो ट्रैक्टर बैठने की डिमांड कर रहा है। ट्रैक्टर और क्या क्या है रुद्र? ट्रैक्टर और ऑटो है, बाइक है, स्कूटी और ट्रैक्टर। देखो ट्रैक्टर की डिमांड कर रहा है, आप सभी लोगों को एक एक बड़ा बड़ा ट्रैक्टर इसे गिफ्ट करना है जिससे आगे आने वाले समय में अपनी खुद की खेती कर सके। अब एक्चुअली क्या है कि हम जब भी अपने गांव जाते हैं तो इसे ये ट्रैक्टर पे सबसे ज्यादा बैठता है और घूमता है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई दिल्ली में तो कोई ट्रैक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये तो सबसे है ही है इसका मेजर मिसिंग, क्योंकि हम लोग तो भाई बाइक गाड़ी में घूम लेते हैं, अब गांव में जाके तो सिर्फ ये ट्रैक्टर की डिमांड करता है कि मुझे ट्रैक्टर पे बैठना है। तो इसका पूरा दिन दिन बीत जाता है ट्रैक्टर पर बैठते बैठते। इसके चाचा है वहाँ पे, ये इसके चाचा, इसकी बुआ, वही इसके हर वक्त इसके साथ लगे रहते हैं। चलो बाकी मैं जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ एक बार ऑफिस। सो आई हैव जस्ट रीच होम, अभी आया हूँ इस घर पे। टाइम भी काफ़ी हो गया, घड़ी तो मैं पहनता नहीं जिससे मैं दिखा सकूँ। अराउंड 11:30 का टाइम है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आई थिंक हमारा शेर तो सो गया, शेर तो हमारा इंतज़ार करके सो गया। सो विल सी यू टमोरो गाइज। काफ़ी रात हो गई है, आप भी सो जाओ, मैं भी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठना है बिकॉज कल संडे है और संडे इज़ नॉट अ हॉलीडे फॉर मी। भाई कल बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं और काफ़ी मेहनत करनी होती है। कल का बड़ा हैक्टिक डे रहेगा, ठीक है। कल पता नहीं, शायद मैं ब्लॉग बनाऊँ या ना भी बनाऊँ, टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं ब्लॉग बनाऊँगा और कुछ क्रिएटिव ला के दूंगा। नहीं मिला तो लेट्स सी, परसों बना लेंगे, क्या दिक्कत है, कौन सा नहीं जा रही है चीज़ें भाग के, ठीक है। चलो गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम, जय हनुमान, क्या हाल है जवान, ठीक है, मिलते हैं आपको।